हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और श्वेता दीदी को मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बिना घी से गाजर का हलवा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करेगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा ताकि इसी तरीके की रेसिपीज मैं आपके सामने ला सकूँ। तो चलिए बिना घी से गाजर का हलवा बना लेते हैं। बिना घी से गाजर का हलवा बनाने के लिए हमने 1 किलो गाजर ली हैं। इन्हें हमने धो के छील के तैयार कर लिया है। यहाँ पे 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, 4 हरी इलायची, 1/3 कप चीनी या स्वाद अनुसार चीनी। सबसे पहले हम दूध को एक कढ़ाई में डाल देंगे और इसको हाई फ्लेम पे उबाल लेंगे। जब तक दूध उबल रहा है इधर हम गाजर को भी काट लेंगे। ये हमने गाजर को काट के तैयार कर लिया है। आप गाजर के टुकड़ों का साइज देख सकते हैं। अब हम इन गाजर के टुकड़ों को एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल के ग्राइंड कर लेंगे। मिक्सी में ग्राइंड करने के बाद गाजर बिल्कुल कद्दूकस करी हुई गाजर जैसी ही हो जाती है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी गाजर बिल्कुल कद्दूकस करी हुई गाजर जैसी लग रही है। अब हम अपनी ग्राइंड करी हुई गाजर इस दूध में डाल देंगे और बाकी के गाजर के टुकड़ों को भी इसी तरीके से ग्राइंड करके इस दूध में डाल देंगे। और यहाँ पे हम अपनी ग्राइंड करी हुई गाजर का लास्ट बैच भी डाल देते हैं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी क्योंकि हमारी कढ़ाई पूरी तरीके से भर चुकी है तो अब मैंने फ्लेम को मीडियम पे कर दिया है और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे ही 15 मिनट तक पकने देंगे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हमारा हलवा इस तरीके से गाढ़ा हो चुका है तो अब हम फ्लेम को बढ़ा के हाई पे कर देंगे क्योंकि अब हमारे हलवे का उफन के बाहर गिरने का डर नहीं है। और कुछ भी कहिए, जब गाजर का हलवा पक रहा होता है तो उसकी खुशबू इस दुनिया की सबसे अच्छी खुशबू होती है। जब हमारा हलवा इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तब हम इसमें कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे थोड़ा सा खोआ भी डाल सकते हैं, इससे आपका हलवा काफी रिच बनेगा। अब हम इसमें चीनी डाल देंगे। चीनी अभी मैंने थोड़ी सी रोक ली है। इसको टेस्ट करने के बाद अगर जरूरत महसूस हुई तो बाकी की चीनी भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा घी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा हलवा काफी टेस्टी लगता है। और अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे ताकि जो चीनी ने पानी छोड़ा है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए और हमारा हलवा परफेक्ट टेक्सचर तक पहुंच जाए। हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है तो अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और मिक्स कर लेंगे। इसको इस तरीके से एक बाउल में निकाल के सर्व कर लेंगे। गार्निश करेंगे कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स के साथ। और जरूरी नहीं कि केवल चॉकलेट्स और केक ही हार्ट शेप के हों, आप गाजर के हलवे को भी इस तरीके से प्लेट करके सर्व कर सकते हैं। इसे भी हम कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट से ही गार्निश करेंगे। और होमवर्क करने के बाद जब बच्चों को इस तरीके से सजा हुआ गाजर का हलवा मिलता है तो बच्चे भी मुस्कुरा के कहते हैं एंजॉय। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इस गाजर के हलवे की रेसिपी को जरूर ट्राई करिएगा और आपका गाजर का हलवा कैसा बना ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, मेरे व्लॉग चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें और मेरे किड्स चैनल को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।